इसमें इन्होंने और वो तमाम क्राइटेरिया है जिसको हम कहते हैं नोबल क्राइटेरिया, ये हम उसको कहते हैं कोर क्राइटेरिया फॉर डिप्रेशन, वो तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें एक चीज जो कि उसने बयान नहीं किया कि कितने ड्यूरेशन से हुआ। अगर ये 3 वीक से रेगुलर ज्यादा हुआ है विदाउट एनी इंटेंसिटी उससे बढ़ती है और या इंटेंसिटी एक जैसी, लेकिन उसमें ऊंच और नीच नहीं आता और ठीक नहीं। वन दूसरा चीज जो मिस है वो ये कि कोई सोशल इश्यूज तो नहीं। अगर ये दोनों चीजें जो है ना वो सोशल इश्यूज भी नहीं है और वो रेगुलरली जा रहा है ये बीमारी और उसके 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके, 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, देन इज डिक्लेयर्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब ये मालूम करना होगा कि जी कौन सा स्टेज है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर। फिर उसके बाद फिर हमारे पास एक स्केल होता है दिमाग में जब मरीज से पूछता है, अगर उस मरीज में साइकोटिक सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, अगर उस मरीज में काम की एबिलिटीज खत्म हुए हैं, उस मरीज में ये अपने आप को नेगेटिव थॉट आते हैं कि जी अपने आप को जख्मी करे, कोपिंग स्किल खराब हो, तो दिन हम कहते हैं ये मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म है, जिसमें यहाँ पे एक इशारा हुआ है कि जी मुझसे कोई काम नहीं होता, तो इसका मतलब ये मॉडरेट से ज्यादा है, तो दिन मैं समझूंगा कि जी आप डिक्लेयर हैं और ये दो चीजों के साथ साथ कि आप डिप्रेशन का बाकायदा इलाज कर लें, और वो साइकेट्रिस्ट फिर आपको बता देगा कि जी आपको कोई स्किल्स सिखाने की जरूरत है, साइको एजुकेशन कितनी जरूरत है, आपको काउंसलिंग कितनी जरूरत है। लेकिन अगर रेगुलर उसमें रखा जाए तो दिन साइकोथेरेपी होती है। आपको मालूम है साइकोथेरेपी एक रेगुलर चीज होती है, जिस तरह लोग डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, साइकोथेरेपी भी ऐसी जैसे आप दिमाग का बातों से ऑपरेशन करते हैं, लेकिन वो प्रोलॉन्ग टाइम होता है, एटलीस्ट जो है ना आपको वो 6 से 7 महीने करने होते हैं और हर हफ्ते आपको जाना होता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त करना चाहिए, उस वक्त स्टार्ट करना चाहिए जब आप डिक्लेयर हो कि आपका मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म डिप्रेशन है।